फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए शाम की 5 बज रही है और मैंने अभी हेयर वॉश किए हैं क्योंकि सुबह क्या बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी आ गई हूँ हेयर वॉश करके और बस पानी वगैरह सर का अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले हेयर वॉश कर लूँ, फिर मैं दूसरे काम करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर यही कर कर आई हुई थी। तो यहाँ पर बस मैं कंघी करने के बाद बिंदी वगैरह लगा लूँगी और थोड़ा सा सिंदूर वगैरह भी लगाऊँगी और क्रीम जो भी हो लगाकर मैं अच्छी तरह से बस घर पे ऐसे नॉर्मली जैसे तैयार होते हैं वैसे ही तैयार हो रही थी। तो बस मैंने कहा कि वो तैयार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिप बाम अप्लाई कर रही थी और मैं कौन सा लिप बाम लगाती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं अभी बस जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पाउडर भी यूज़ किया था क्योंकि फेस में थोड़ा सा पाउडर लगा लो गर्मी के टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाला पाउडर यूज़ कर लिया था। फिर मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं और शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि सुबह मैं नहीं कर पाई थी, पर बहुत परेशान कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने अभी हेयर वॉश किए थे क्योंकि मैं इस मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी क्योंकि क्या मम्मी लोग नहीं है तो परी बहुत परेशान करती है, इसलिए मैंने बस जल्दी से नहा लिया था और बस अभी हेयर वॉश किया है। और शाम के टाइम पर मतलब फ्रेश होना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुँह हाथ धुल लो और या फिर नहा लो और हेयर वगैरह धुल लो तो बहुत अच्छा फ्रेशनेस सा लगता है और पूरा दिन तो गर्मी से ही निकल जाता है। परी क्या बाहर खेल रही है तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ही सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद वो फिर आ जाएगी। तो उसको अभी क्या मिल्क वगैरह बना के देना है तो बस वो दे दूँगी और अभी वो बस खेल रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे 2 मिनट बात कर लेती हूँ और बस स्टार्ट होता है अपना दिन का वही रूटीन काम करना। तो बस दिखाती हूँ कि दिन में मैं अब क्या क्या करने वाली हूँ और बताऊँगी मैं आपके साथ और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारे आमों को छील रही थी और छील के उसके पीस पीस कर रही थी क्योंकि आम के बनाने थे यहाँ पर मैंगो जूस, तो मैं बस उसकी तैयारी कर रही थी। तो बहुत सारे आम लेकर बैठी हुई थी मैं छीलने के लिए, तो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो बनाया तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दिन में मैं आज क्या कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंगो शेक बनाने के लिए तैयारियाँ हो रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे मैंने यहाँ पर मैंगो कट करके रख रखे हैं और इसमें मैं दूध भी अप्लाई करूँगी और शक्कर, दूध, पानी सब कुछ, और बहुत ही टेस्टी वाला मैंगो शेक मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बहुत सारा मैंगो शेक मैं बनाऊँगी और ये जो है ना जाएगा जहाँ पर मम्मी ने शॉप ली है वहाँ पर जाएगा और ये सेल होगा। तो मैंने इसलिए बनाया था और इसके बाद देखना परी के पापा भी ट्राई करेंगे तो वो भी मैं आपको सर दिखाऊंगी कि वो कैसे बना रहे हैं क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि मुझे भी सिखा दो और फिर कभी मैं चली गई बांदा तो फिर वो यूज़ कर लेंगे, वो बनाएंगे। तो मैंने उनको भी बता दिया था। तो यहाँ पर ये देखिए जूस बनकर मेरा अभी क्या मैंगो शेक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मतलब बताती जा रही थी कितना कितना डालना है और पहले मैंने कट करके रख लिया था, फिर मैं चम्मच के द्वारा उसको ऐड करती जा रही थी। और यहाँ 1 कटोरी बराबर शक्कर और यूज़ कर रही थी और थोड़ा सा मिल्क और पानी, और मैंगो का जो मैंगो शेक है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इनको बताती जा रही थी कि कैसे बनाना है और बनाती भी जा रही थी, तो मैंने सिखा दिया है, बना लेंगे अब ये लोग घर पे ही क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, तो अभी इनको ही बनाना है इसलिए मैंने कहा बनाकर बता देते हैं। तो बस बनाकर बता रही थी मैं, तो मेरे जो देवर है वो और भाई तो पापा सीख रहे थे यहाँ पर, ये देखिए बनाना सीख रहे हैं। तो बस मैं बता रही थी तो वो बना रहे थे, तो उन्होंने भी मैंगो शेक बनाया आज घर में। तो देखिए यहाँ पर कितना ढेर सारा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है और अभी और भी बनना है जो अभी बाकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परी की मस्ती, थोड़ी सी मैं परी की मस्ती भी आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर ये देखिए क्या कर रही है, गुड्डे को लेकर बैठी हुई है और बस खेल रही थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर, क्या हो रहा है, तुम्हारी परी देखो कैसे गाने गा रही है, कैसे बैठी हुई है, ये ओढ़ के क्यों बैठी हो, दुल्हन क्यों बन के बैठ गई हो, क्यों ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, गाना गा रही हो, भजन कर रही हो, ओ माय गॉड मेरी परी देखो भजन कर रही है,
ये कैसे दुल्हन बनी हो आप, दिखाओ आज फेस। बोलो भोले ने डबरू बजाया, बोलो भोले। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ कमरे की सफाई कर रही थी, तो जो बैग वगैरह रखे हुए थे और कपड़े रखे हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा उनको सबको मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे 2 या 3 दिन बस जाना है बांदा। तो मैंने सोचा कि सारा सामान समेट दूँ और बैग वगैरह भी निकाल लूँ, बैग लगाऊँगी और सारे कपड़े वगैरह भी सेट करने हैं, तो बस मैं वही कर रही थी रूम में। तो बस मैं अपना ये सारा काम करके और फ्री हो जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग गाइस आपको कैसा लगा है, प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जब तक के मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।